बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में जो सबसे मज़े की चीज़ है ना, वो है एंग पे हमीम वाला पार्ट। सारा दिन वो गायब था, एंग पे ही जाके मुझे मिला है। आज मई स्टार्ट हो गया और मैंने ना थोड़ी सी रूटीन चेंज की, लेकिन इनकी रूटीन बिल्कुल भी नहीं बदली कि थोड़े से जंपों से बचने के लिए ना ये लोग अपोजिट साइड से आ गए, पता नहीं कितने लोगों को रिस्क में डाल देते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि थोड़े से ना अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी रूटीन में चेंजिंग की है। सुबह सुबह उठ के ना नमाज वगैरह पढ़ के तो मैं जाता हूँ आदिल की तरफ, वहाँ पे ना हम लोग खेलते हैं। सुबह जल्दी उठने कितने फायदे हैं ना, लाइक ट्रस्ट मी, इतने ज़्यादा मज़े मज़े के सीन होते हैं ना जो आप सुबह सुबह देख सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे जो सूरज के तलू होने का सीन होता है ना, मतलब वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होता है। पिछले को 3-4 दिन से हमने रूटीन चेंज की और मैंने आज सोचा कि चलो आज इसकी ना वीडियो वगैरह बनाते हैं, लेकिन आज इतनी ज़्यादा तेज़ हवा थी कि आज खेल ही नहीं जा रहा था, कोई गेम ही नहीं थी लग रही। फिर हम लोग बैठे और यहाँ पे जो सीन था ना वो बड़े ही आउटस्टैंडिंग था, कि मिल का जो व्यू है और इसके साथ जो धुआं निकल रहा था वो बड़ा ही ज़बरदस्त था। उधर दूसरी तरफ अगर आप आसमान पर देखते ना, तो मतलब जो कमाल का सूरज के निकलने का व्यू था ना, वो इतना ज़बरदस्त था ना, उसकी मैं अलहदा से वीडियो लगा दूंगा। वहाँ पर बैठे थोड़ी देर के बाद हमें ख्याल आया कि चलो थोड़ी ना ताज़ी हवा खाने के लिए निकलते हैं, तो हम लोग चले गए हैं हमारी इकलौती फेवरेट लोकेशन पर। असल में यार सारे रास्ते का जो सीन है ना वो बड़ा कमाल का होता है, पहले भी आपको एक दो दफ़ा बता चुका हूँ। और यहाँ पे ना रास्ते में किसी ने ढेर सारे रकबे पे ना, लाइक काफ़ी किनालों पे सूरजमुखी के फूल लगाए हैं, और इतना ही ज़बरदस्त है इनका व्यू होता है। और यहाँ पे आ गई, ये किसी का ट्रक को लग गया था सुबह सुबह, ये पता नहीं हुकूमती रकबे पे हैं या किसी ने बेचने के लिए लगाए हैं, लेकिन सुबह सुबह इनका जो व्यू होता है ना वो सूरज की तरफ इन्हें मुँह किया हुआ होता है और सही फिट माहौल बनाया हुआ होता है। यार अभी तकरीबन 7 बजे का टाइम है और ये देखें इतने ज़्यादा सीन्स देख लिए और अभी तक दिन का बाकायदा स्टार्ट भी नहीं हुआ। वो जैसे बादशाह अकबर कहता था ना कि एक ही तो ज़िंदगी है, वो मैं सो के गुजार दूँ। सो लाइक जल्दी उठने ये फायदा होता है, ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी बढ़ गई है। तो वापसी मैंने आदिल को उतारा, मैं आया हूँ यहाँ से ना, मैंने दही लेनी थी। अच्छा, इनकी दही बड़ी कमाल की होती है। फिर मैंने घर आके नाश्ता किया, देसी अंडा। अच्छा, नॉर्मली मैं पता नाश्ते में अचार या चाय लेता था, लेकिन ना मैंने चीनी छोड़ दी है, मतलब चाय में ना बिल्कुल मैं चीनी नहीं पीता, क्योंकि आर्टिफिशियल शुगर जो है ना बहुत नुकसानदेह होती है, इस वजह से अंडा या दही के साथ नाश्ता कर लिया। तो मौसम आज बड़ी कमाल का था। फिर मैं निकला हूँ बाजार से, कुछ सब्जी वगैरह कुछ चीज़ें लेनी थी। अभी नाश्ता करते साथ ही ना लंच की प्लानिंग स्टार्ट हो गई है, क्या आज ना खाने में क्या क्या लेना है। क्या असल जिंदगी है ये, खाना पीना और घूमना बस। मेरा तो बस नहीं चलता, नहीं तो मैं ना घर में मुर्गियाँ पालूँ, और जब भी ये गोश्त वगैरह लेना होना तो बंदा अपनी देसी मुर्गी जो है ना घर की वो खाए, कि उसका जो टेस्ट है वो टेस्ट ही अलग होता है, उसकी बात ही एक अलग होती है। या ये पता नहीं लोग डेली व्लॉगिंग कैसे कर लेते हैं, कि मेरा तो जहन ही नहीं बन रहा होता, जहन बन जाता है तो वीडियो नहीं बनती, अगर वीडियो बन जाती है तो वो एडिट नहीं होती, अगर एडिट हो जाए तो एक एक हफ्ता उसका वॉइस ओवर करने वाला रह जाता है, और करते कराते वीडियो इतनी डिले हो जाती है। खैर ये है मदीना बेकरी, यहाँ से मैंने लेना था फ्रूट केक और ऑलपर्स मिल्क लेना था, वो ले गई। तो फिर मैं पहुँचा हूँ घर, घर जाके मैंने सबसे मुश्किल काम करना था, दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो मुझे लगता है वो है कपड़े प्रेस करना, मतलब बाकी सारे काम एक तरफ हो गए, जो अपने कपड़े प्रेस करने वाला काम है ना ये सबसे मुश्किल मुझे लगता है। फिर मैंने चेंज वगैरह किया है और वेट करने लग गए हूँ आदिल खान का, बिकॉज आज हमने प्लान किया था कि हम लोग खाना मिल के खाएंगे, बिकॉज मौसम भी बड़ा फिक्स था। तो 40 मिनट के इंतजार के बाद आदिल साहब पहुँचे हैं, और ये मेरी ज़िंदगी है, मतलब चावल जो है ना आई जस्ट लव दैम, मतलब बारिश वाला मौसम और पुलाव, ज़िंदगी में और क्या चाहिए आपको। मेरी तो वीडियो की सेटिंग ही नहीं हो रही थी और आदिल ने खाना स्टार्ट कर दिया, वैसे जल्दी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बस मेमोरीज भी तो बनानी होती है ना। तो बस फिर खाना वगैरह ख़त्म किया और मैं चला गया हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए, और मैं सोच रहा था कि 2-3 दिन हो गए वसीम को कोई नहीं मिला, तो ना वापसी भी वसीम की तरफ से भी होता चला जाऊँगा। तो मैं वहाँ पर पहुँचता गया हूँ तो वसीम ऑलरेडी मुझे ही कॉल कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, टेक एंट्री। वो मुझे कॉल करके बुलाने लगा था कि तुम आ जाओ, और मैं बाहर ही खड़ा हुआ था ऑलरेडी, उसकी तरफ ही आया हुआ था। इसको ट्रांसलेट करेंगे। अच्छा, ए डॉलर का निशान मैंने समझ आया, उसके अलावा मैंने कख समझ नहीं आ रही। एक ये इनविटेशन की दिशा दी था पहले, ए बन रहा है, एक मिनट के बन रहा है। एक ये माय बुकिंग्स, शादी वेडिंग, शादी करूं मैं वसीम है, इंसान मांग जा, वेबसाइट बना रहे हैं। यस यस, ठीक है, बरात है, बरात कदर है तेरी, वेबसाइट बना रहे हैं। किस में इतना इंटेलिजेंट है, मैं इतने इंटेलिजेंट लोगों के साथ घूमता हूं। घर की मुर्गी दाल बराबर लगता, वैसे है टैलेंट कि वेबसाइट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ये सारी चीज़ें बना लेता है, बस आखिर दोस्त किसका है फिर। तो हम लोग निकले अपनी सीक्रेट लोकेशन पे जाने के लिए, और वसीम का दिल था कुछ चीजी शीजी खाने पे, तो वहाँ से लेज़ वगैरह कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक लिए और हम लोग पहुँचे हैं स्टेशन पे। असर का टाइम हो गया था, अनफॉर्चुनेटली जमात जो है वो हो चुकी थी, तो भैया हमने कहा कि चलो बैठते हैं थोड़ी देर और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। अच्छा, आप में से ना कोई बंदा गेस करना चाहेगा कि हम लोग ने जब भी बैठना होता है गपशप लगाने के लिए तो हम लोग स्टेशन पे ही क्यों आते हैं, कैसी क्या खास बात है स्टेशन पे आने के लिए, तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है। तो मैंने तो अपने लिए लिया डाइट कोक जीरो शुगर, बिकॉज मैंने आपको बताया मैं तो शुगर बाई कार्ड मुहिम पे हूँ। डिसअपॉइंटेड विद द क्वांटिटी ऑफ, वसीम ने बड़े शौक से कर्लीज़ का बड़ा पैक लिया, लेकिन उसमें ज़्यादा था ही फूक, और जो उसके पास बचे थे वो भी उसने इस बच्ची को पीछे दे दी हैं, उसके पास ये कुछ बच गया है। वहाँ ही है कि मैंने नहीं, नो थैंक्स।
किसी किस टाइम पता नहीं वसीम को हो क्या जाता है, बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाता है, चीज़ों को ना पता नहीं क्या करने लग जाता है। फिर इसी वजह से तो मुझे शक होने लग जाता है कि वो वेबसाइट और एप्लीकेशन है, वो सॉफ्टवेयर सारा कुछ यही बना रहा है और मांगे हुए पापा आगे डोनेट कर रहा है। इतने में ट्रेन का टाइम हो गया, तकरीबन 6:30 हो गए हैं। या वैसे ट्रेन का सफर भी ना बड़ा मजे का होता है। हमारे दफ़ा ट्रेन को देखते हैं, हम लोग ये प्लान बनाते हैं कि अगला सफर जो है ना वो हम ट्रेन पर करेंगे, किसी दिन कहीं जाएंगे, लेकिन हमेशा की तरह प्लान जो है वो प्लान ही रह जाते हैं। और इतने में मगरिब का टाइम हो गया, या ये मगरिब का टाइम बड़ा उदास कर देते हैं इस टाइम ना, स्पेशली जब आप घर से बाहर होते हो ना तो बड़ी एक अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है। खैर मानो आई थी, तो इसके बाद हमीम मैं और हम लोग गए हैं बाजार से कुछ चीज़ें लेने के लिए, तो आगे हमीम की वीडियो देखिएगा। नहीं, तुमने मेरे पास बैठ जाऊंगा, मुझे पार नहीं ना करते हो क्या? नहीं तुम मुझे पार नहीं करते हो, कहाँ पे करते हो, कहाँ करते हो क्या? मामा प्लीज जाने दो ना। नहीं ना, नहीं जाना। क्या? नहीं, चुप कर जाओ, मैं वापस नहीं ले जाऊंगा। नहीं मैं चली जाएगी। नहीं जाती, जाती है। नहीं जाती है, नहीं जाती है। नो नो, चुप कर जाओ। देख मैं तो दो किधर गए, जिन क्यों बन जाते हो जी? चुप, नो 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 नहीं ना, वो भी लेके आ जाती हैं वो मानो के टिफिन। क्यों जाना? क्यों जाना है? प्लीज नहीं, बोलो तो रुक जा। तो आ जा, किधर तो आ जा। आ जाऊंगा। नहीं आते नो, मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। हैं दिखा दो। नहीं दिखा ना दो, गिर जा, गिर जाऊंगा मैं। मैं देखा। हैं? तुम क्या कर रहे हो? वो देखो आ गई, बस उन्होंने ले लिए चीजें। हाँ? जो लेनी थी चीजें ले ली हैं। हाँ? अब वो आ रही हैं बस। हाँ? आए कुनोने लेके। मानो बेटा दो, बेटा दो, बेटा पे आ, बेटा पे आ, बेटा पे आ। नहीं आप आ गए, जाओ ले लेने।